फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आया है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। इसकी वजह से और भी बहुत सारे, मतलब मेरी ड्यूटी भी जल्दी जल्दी आ रही थी क्योंकि मेरा इसमें प्रोग्रेसिव आवर में बहुत ही कम आवर्स थे, तो इसके वजह से बहुत कम टाइम मिल रहा था। तो मैं सोचा कि कुछ दिन बाद में वीडियो अपना कंटिन्यू करूँगा, तो इसी वजह से वीडियो आ नहीं रही थी। मगर अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगी और आपको फुल इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ कि एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और टेक्नीशियन का क्या क्या कैसे क्या होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका क्या क्या प्रोसेस होता है और कितने मार्क्स आपको लाना होगा और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। तो देखिए, जो एएलपी को मेन फोकस करके तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप CBT 1 और CBT 2 मतलब क्वालिफाई कर लेंगे, CBT 2 भी पास आउट हो जाएंगे, तो आपका जब कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको देने के लिए जब आपका मेरिट में नाम आएगा, तो उसमें आपको जाने से पहले आपको एक विज़न सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जो आपको एक विज़न सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसमें आपका 6x6 मस्ट होना चाहिए आई विज़न। अगर आपका 6x6 नहीं रहेगा तो आपको वहीं पर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने को। और ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप अगर नहीं आपको अलाउड किया गया तो आप एएलपी का सपना आपका वहीं टूट जाएगा बनने का। तो आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आई है वो 6x6 ज़रूर हो, क्योंकि इसके बिना आप एएलपी नहीं बन पाएंगे। तो मेनली एएलपी का आपका जो मेडिकल फिटनेस होता है वो A1 कैटेगरी का होता है। मतलब A1 कैटेगरी मीन्स आपका विज़न जो होना चाहिए 6x6 होना चाहिए, मस्ट है। और उसके साथ ही आपका जो भी फिज़िकल टेस्ट होता है वो सारे फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, वो सारे टेस्ट में आप पास होने चाहिए। तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो सबसे टॉप लेवल का होता है। मतलब आप सबसे आगे लीड करेंगे पूरे ट्रेन को लेकर के, तो आपको जल्दी जल्दी डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका पूरा फिटनेस चेक किया जाता है, आपका ECG वगैरह करवाया जाता है, फिर आपका विज़न मतलब फॉगिंग टेस्ट करवाया जाता है कि आपको मतलब आपके आँख में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो फॉगिंग टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा। और आपको मतलब 20 फीट की दूरी से आपको बहुत सारे लेटर आपका वहाँ पे या कलर चेंजेस वगैरह होते रहेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। एक आँख पे आपका पूरा ऐसा करके आँख को पूरा ढक दिया जाता है और आपका जो दूसरा आँख रहता है उससे आपको पूछा जाता है कि आपको जो कलर दिखाया जाएगा वहाँ पे लाइट का, वो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कलर है, आपको तुरंत बताना पड़ेगा। और उसके तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले क्या होता है एएलपी के लिए जो मेडिकल होता है वो आपका डिस्टेंस विज़न आपका 6x6 रहना चाहिए। मतलब कि आप 20 फीट की दूरी से आपको मतलब पूरा क्लियरली दिखना चाहिए आपका। तो आपका 20 फीट की दूरी से आपको वहाँ पे लेटर दिखाया जाएगा, हर साइज़ के अलग अलग लेटर दिखाए जाएंगे। CA आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये लेटर इस टाइप के लेटर दिखाए जाएंगे और आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कौन सा लेटर है और किस डायरेक्शन में आपका मुड़ा हुआ है। जैसे सपोज सी आपको यहाँ जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस टाइप का सी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये जल्दी बताना पड़ेगा। और बहुत सारे लाइट भी चेंजेस होते रहेंगे वहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा क्विक डिसीजन ले करके कि हाँ ये लाइट है पूरा 100% कॉन्फिडेंट के साथ कि आप जो देख रहे हो वही करेक्ट है। आइज़ के लिए यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट भी किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका रहेगा कलर विज़न टेस्ट रहेगा, RGB कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को पहचानने के लिए बोलेंगे, तो आपको वहाँ पे बताना है पड़ेगा ये वाला। उसके बाद आपका एक दूसरा टेस्ट होता है बायनोकुलर विज़न। बायनोकुलर विज़न में क्या होता है कि आपके आइज़ जो रहते हैं वो डॉक्टर मतलब बायनोकुलर में रख करके पूरा आपका ऐसा करके पूरा चेक किया जाता है कि आपके कोई आइज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर आप कुछ लेंसेस वगैरह लगा के तो नहीं आए हैं। और आपका पूरा आइज़ को ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाया जाएगा उस बायनोकुलर विज़न में। देखने के बाद मतलब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप अपना मूवमेंट करें आइज़ का, तो इसमें पूरा दिख जाता है। और इसमें आपको 180 डिग्री तक घुमाया जाता है आइज़ को, मतलब आपको खुद घुमाना पड़ेगा। और नाइट विज़न भी टेस्ट करवाया जाता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करवाया जाता है वहाँ पर। तो इतने सारे टेस्ट होते हैं। और एक और टेस्ट होता है मेसोपिक विज़न। इसमें क्या होता है कि आपका मतलब जो भी आइज़ में अगर कोई लेंस वगैरह लगा के गए हैं
वहाँ पे इजीली आपको वहाँ पे पकड़ में आ जाएंगे, जो तो लेंस वाले तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका इसी में ऐसे इतने सारे टेस्ट आपका आईज का होता है, तो इसके ऊपर पूरा मतलब आपको एकदम वहाँ पे डीपली वहाँ पे सारा कुछ टेस्ट किया जाता है। तो आपका आई विज़न को सबसे मेजर प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि आपको आगे सिग्नल का एस्पेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एस्पेक्ट आप गलत देख लेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से नौकरी सिर्फ आई के ऊपर ही टिका हुआ है। और आई आप अगर जो भी आप एलपी का तैयारी कर रहे हैं, अपना आई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी आप एलपी बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा एलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको डिस्कस कर दिया, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, ईसीजी वगैरह होता है, फिर जा कर के आपका चेस्ट का यहाँ पे पूरा चेक किया जाता है, और फिर जाके आपका फ्लैट फुट कहीं कहीं कोई कोई बोर्ड में चेक किया गया था, लेकिन हम लोगों के बोर्ड में चेक नहीं किया गया था नॉर्दर्न रेलवे में। और आपका मतलब ब्लड टेस्ट चेक किया जाता है, कि मतलब आपका शुगर वगैरह तो नहीं है, डायबिटीज़, ये सब सारे टेस्ट किए जाते हैं। और अब बात करते हैं जो टेक्नीशियन मतलब बनना चाहते हैं, उन लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो उन लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी और B2 और C1 कैटेगरी तक जाता है। तो B1 में आपका मेनली 6x9 और 6x12 मतलब आपका आई विज़न होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे टेक्नीशियन के लिए, और आपका इजली सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी मैं टेस्ट बताया हूँ, इसमें भी वही सब सारे टेस्ट होते हैं, मगर इसमें कुछ रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता होगा। तो टेक्नीशियन में उतना आपका A1 कैटेगरी का मेडिकल नहीं होता है, और इसमें B2 भी एक मेडिकल स्टैंडर्ड है जो टेक्नीशियन बन सकता है। इसमें आपका डिस्टेंस विज़न 6x9 और 6x12 होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आपको ले सकते हैं। और एक लास्ट स्टैंडर्ड होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, वो होता है C1, और इसमें आपका 6x12 से लेकर 6x18 तक आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोचिए आप, इसमें चश्मा भी लगा करके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप तो टेक्नीशियन और एलपी का मैं अभी डिस्कस कर दिया हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इतने सारे होते हैं। तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपका आईज एकदम 6x6 होना चाहिए, जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं। और जो टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, वो 6x18 तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें B1, B2 और C1 कैटेगरी तक आपका मेडिकल स्टैंडर्ड को बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एलपी के एज में मतलब 28 ईयर्स कर दिया जाए, 28 ईयर्स कर दिया जाएगा, 18 to 28 ईयर्स। तो देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आया था वो भी 28 ईयर्स ही कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे स्ट्राइक वगैरह हुए, मतलब जो भी जिनका भी एज पार कर जा रहा था, वो सारे लोग यहाँ पे आए, एकजुट हुए, तो इसके ऊपर फिर डिसीजन लिया गया, और इसी की वजह से एग्ज़ाम कुछ डिले हुआ था। तो आपका एज लिमिट फिर 30 ईयर्स कर दिया जनरल का, और तो इस बार मैक्सिमम चांस है कि आपका 28 ईयर्स ही रहेगा, क्योंकि आपका एज कैलकुलेशन किया गया था वो जुलाई 2018 तक किया गया था। तो उसके पहले तक जिनका भी एज होगा, बचा हुआ होगा, वो अप्लाई कर चुके कर सकते थे, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन किया गया था। तो देखिए इस बार क्या होता है, देखते हैं, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। और अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या होता है, और कितने सारे इसमें स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है CBT 1, जिसमें कि आपका मेनली ड्यूरेशन रहता है आपका 60 मिनट्स, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहता है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, मगर इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये आपका मेरिट में बिल्कुल आपको मतलब ये नहीं करेगा, हेल्प करेगा बनने में मेरिट, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ सिलेक्शन लिया जाएगा। CBT 2 के लिए बोर्ड में 1000 वैकेंसी है, तो आपको 15 टाइम्स स्टूडेंट का CBT 2 के लिए सिलेक्शन लिया जाएगा। और इसका मेनली क्या क्या सिलेबस रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका मेनली सिलेबस रहेगा मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और जनरल साइंस, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के ऊपर इतने सारे टॉपिक को कवर करेगा। तो इसमें आप मेनली देख लीजिएगा कि जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग जो रहेगा, वो आपका दोनों में कॉमन रहेगा। तो अगर आप अभी इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपका समझिए CBT 2 का भी तैयारी हो रहा है। तो आप अपना 100% दीजिए, CBT 1 निकालिए, फिर आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो CBT 2 में क्या होगा कि आपका 15 टाइम्स लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा, और इसमें आपका टोटल एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर 30 मिनट करेंगे, और इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी मतलब इसमें ऐड किया गया है। तो पार्ट ए में क्या रहेगा कि आप
पार्ट ए में इसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनेगा और इसी यहीं से आपका 70% मार्क्स को लिया जाएगा मेरिट बनाने में और 30% जो मार्क्स रहता है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा अभी तो वहाँ से लिया जाएगा। तो इसमें आपका मेनली देखा जाएगा कि आपका सिलेबस इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, तो इसमें मैथ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग तो रहेंगे और इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को ऐड किया गया है और बाद बाकी जो सीबीटी वन का जो सिलेबस था और इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्योंकि इसमें बहुत सारे इसी से क्वेश्चन आते हैं लगभग 50% क्वेश्चन और इसमें मेनली क्या ऐड किया गया है न्यू टॉपिक को इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसमें बहुत सारे जो इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग जो पढ़ाई किए होंगे डिप्लोमा उन लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और प्रोजेक्शन व्यूज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस ज्योमेट्रिक फिगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इतने सारे इसमें सिलेबस है इसके बारे में भी मैं डीपली डिस्कस करूँगा। तो इसमें बहुत सारे मतलब सिलेबस आ जाएंगे इसमें यूनिट्स मेजरमेंट मास वेट एंड डेंसिटी वर्क पावर और एनर्जी स्पीड वेलोसिटी हीट एंड टेम्परेचर। तो वेलोसिटी है उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर है और बेसिक लीवर्स इलेक्ट्रिकल लीवर्स एंड सिंपल मशीन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंट एजुकेशन आईटी लिटरेसी इतने सारे सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो इसको ज़्यादा आप इस पर फोकस करिएगा और मैं कैसे तैयारी किया था मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं जो नीरज सर है वाईफाई स्टडी के थे उनसे मैं सारा ऑनलाइन स्टडी किया था और उनका नोट्स मैं बनाया था वो बहुत ही अच्छे पढ़ाए थे तो मैं उनको प्रीफर किया था और अपने आप हिसाब से देख लीजिएगा और मैं बहुत सारे टेस्ट बुक से भी मतलब टेस्ट लगाते रहता था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आप इजली मतलब आपका कमांड हो जाएगा इस टॉपिक में और ज़्यादा से ज़्यादा अभी से ध्यान दीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपका सीबीटी 2 का सिलेबस हो गया और जो सीबीटी 1 में मैं डिस्कस कर दिया था लगभग वही सिलेबस है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसको ऐड किया गया है। अब पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट बी में मेनली देखा गया है कि ड्यूरेशन जो इसका है 60 मिनट्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 75 है और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है जिसमें 35% आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आपका पार्ट बी में अगर क्वालिफाई होंगे तभी आपको मतलब सीबीटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको मतलब उसमें सेलेक्टेड किया जाएगा सिलेक्शन आपका होगा। तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाना ही है एनी हाउ अगर आप नहीं ला पाते हैं और पार्ट ए में आप 90 भी नंबर लेकर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप वहीं से आपका एग्ज़ाम वहीं से बाहर हो जाएंगे आपका। तो इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इस मतलब जो पार्ट बी सिलेबस है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मतलब टेक्निकल आप कौन कौन से सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैकेनिक डीजल जो मैकेनिकल स्टूडेंट है वो इजली वो सब्जेक्ट को ले सकते हैं डिप्लोमा होल्डर वाले हैं इससे अच्छा आपका कमांड हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैकेनिकल में बहुत सारे कुछ तो आपका इजली निकल सकता है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या होता है मेनली साइको एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है तो इसमें आपका मेनली ब्रेन पावर चेक किया जाता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना अच्छा है और कितना जल्दी आप कोई भी चीज़ को याद कर सकते हैं तो इसमें आपको वही मतलब माइंड को चेक किया जाता है और इसमें 5 टाइप्स ऑफ बैटरीज आते हैं बैटरीज मीन्स मतलब अलग अलग टाइप के टेस्ट है वो भी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें आपको मेनली पाँचों बैटरी में हर बैटरी में 42 मार्क्स आपको मिनिमम इतने क्वालिफाई के लिए लाने पड़ेगा अगर आप इससे कम लाते हैं और कोई भी बैटरी में आप फेल हो जाते हैं पांचों में से किसी में एक भी तो आपका वहीं पे सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपका टेक्नीशियन में आपका जैसे कट ऑफ पार कर चुका है तो आपका ठीक है सेफ आप इजली ज्वाइन कर लेंगे टेक्नीशियन लेकिन जो भाई बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं वो वहीं से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उन लोगों का पास ऑप्शन नहीं है उनके पास वो एलपी ऑप्शन है। तो आप इस बात पे ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि साइको एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से 30% मार्क्स ऐड किया जाएगा वहाँ आपको एग्ज़ाम देने में और आपका मेरिट इसी से बनेगा 70% मार्क्स आपका पार्ट ए से। तो आपने देखा कि मैं सारा कुछ अभी आपको डिस्कस कर दिया हूँ ईच एंड एवरीथिंग
आप जो भी मेरे चैनल में नए विजिट किए हो उन लोगों को जो भी एलपी की तैयारी कर रही है एलपी टेक्नीशियन की, और 2023 में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, देखते हैं कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तभी इसके ऊपर मैं कंफर्म बोल पाऊंगा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2023 में वैकेंसी आने का चांस है, क्योंकि 4 ईयर्स में वैकेंसी आया है हर बार, तो मैक्सिमम चांस है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आपको अच्छा मतलब टॉपिक ले करके इस पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप एलपी का तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन इस बार आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि आप कंपटीशन भी टफ हो गया है और बहुत सालों बाद वैकेंसी आ रहा है, तो इसमें बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी करिए, और कुछ भी आपको डाउट रहता है आपके दिमाग में तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।